अस्सलाम वालेकुम। अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स टाइम खत्म होने से पहले पहले खत्म कर दिए जाएं, यानी कंपनी कहे बस जी सॉरी गलती हो गई, हमने आपको डिबेंचर इशू कर दिए, हमसे पैसे लें और किस्सा खत्म करें, तो हो सकता है कि कंपनी पैसे पे करके ये डिबेंचर्स खत्म कर दे, रीपरचेज कर ले। जिन लोगों ने पैसे दिए हुए थे उनको पैसे दे के बस खत्म कर दे डिबेंचर, तो क्या होगा? अब ये चीज पढ़ा रहा हूं, क्या होना चाहिए? वैसे पैसे दे के खत्म कर रहे हैं, लायबिलिटी खत्म कर दें, इक्विटी भी खत्म कर दें कि नहीं है? कर दें, क्योंकि वो दोनों चीजें खत्म हो गई, और जितनी बुक वैल्यू होगी उतना ही पैसे दे रहे होंगे, नहीं कम ज्यादा हो सकते हैं, तो जो कम ज्यादा है वो पीएनएल में चला जाएगा। जी मैंने कहा क्या था? वेरी गुड। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं और उनको मैच्योरिटी से पहले ही हम पैसे दे के कैंसिल कर लें, इसको कहते हैं रीपरचेज करना। तो अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे? जितने पैसे दे रहे हैं वो कैश क्रेडिट, लायबिलिटी खत्म, लायबिलिटी डेबिट, इक्विटी कंपोनेंट भी डेबिट खत्म, और जो डिफरेंस है वो पीएनएल। लेकिन इक्विटी कितने से डेबिट, ये एक साइंसी काम है थोड़ा सा, एक मिसाल से समझाता हूँ, और आप आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पेज नंबर 47। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेज नंबर 47, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पढ़ने में बोर्ड पे सॉल्व करते समझाता हूं कि करना क्या है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 का पढ़ने क्वेश्चन 3 पढ़ लिया। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू कब किए थे? 1 जनवरी 2011। टोटल अमाउंट कितनी? जब ये कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए थे तो उस वक्त इसकी फेयर वैल्यू कितनी है जी? 1 मिलियन। तो टोटल आ गया 1 मिलियन। ये मैं इनिशियल कैलकुलेशन कर रहा हूं, टोटल आ गया 1 मिलियन है। हाँ हाँ, इनिशियली इनमें से लायबिलिटी के लिए कितने पैसे दिए होंगे उन्होंने? कैसे कैलकुलेट करें? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग मार्केट रेट पे। उस वक्त मार्केट रेट क्या था? हमने वादा किया था 10% का, जबकि उस वक्त मार्केट में चल रहा था 11%। When the bonds were issued, उस वक्त जो prevailing market interest rate था, similar debt without conversion option के लिए वो 11% था। तो जितने पैसे हमने देने थे, कितने साल के बॉन्ड थे? 10 साल के, और इन 10 साल तक हमने 10% देना था हर 6 महीने बाद। ये जो 10% है ना, by default जो परसेंटेज रेट होता है वो एनुअल होता है, तो हमने अगर हर 6-6 महीने बाद देना था तो 5% देना होगा। तो 1 मिलियन रुपए 5% कितना बना? 50,000। तो हमने हर 6-6 महीने बाद 50,000 रुपए देने, और फिर फाइनली 10 साल बाद
1 मिलियन, तो इसकी पीवी निकाल लेते हैं। पता नहीं क्या कह दिया मैंने, जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं इग्नोरिंग कन्वर्जन ऑप्शन, उनकी उस वक्त, क्योंकि हम ये काम इनिशियल कर रहे हैं, उस वक्त जो मार्केट रेट था उस पर डिस्काउंटिंग करनी है। तो इन डिवेंचर्स पे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ये था कि हर 6-6 महीने बाद 10 साल तक 50,000 रुपए देना है और 10 साल के एंड पे 1 मिलियन वापस करना है। तो 50,000 पे एनुअली डिस्काउंटिंग लगा लें, 50,000 1 - 1.055 - 20, ये क्या किया मैंने, 11% साल का, तो 6-6 महीने 5.5%, और 10 साल में 20 दफा आएंगे, ये एनुअली डिस्काउंटिंग किया मैंने। और जो 1 मिलियन है उसको 10 साल पे डिस्काउंट कर लेते हैं, ग्यारह परसेंट है ना मार्केट रेट जिसपे हमने डिस्काउंट करना है वो 11% है। क्या जी? नहीं, 1 लाख रुपए गलत होता ना, जब 6-6 महीने बाद है तो फिर 6 मंथ ही डिस्काउंटिंग है उसकी, तो फिर सबको ऐड करके 10 साल का इकट्ठा ही कर लेते हैं, फिर साल साल वाला भी रहने देते। अगर इसका ख्याल नहीं रखना कि 6-6 महीने बाद है तो फिर साल का ख्याल भी क्यों रखना है, पूरे 10 साल का टोटल इंटरेस्ट लेते, उसको 10 साल डिस्काउंट कर लेते, फिर एनबीटी का सत्यानाश तो कर ही रहे थे। क्या बना आंसर? 9-4-9-7-0-4। ये डिफरेंट क्यों आ रहा है मेरा, ये देखें इतना ही है, अच्छा ठीक है सही है, वो इसको ज्यादा बेहतर ऐसे करना है, ये ज्यादा बेहतर, क्योंकि अगर हम इसको 5.5% 6-6 महीने की डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो उसका मतलब ये डिस्काउंटेड 6-6 महीने की डिस्काउंटिंग वाला है, तो ये 20 दफा 6 महीने की डिस्काउंटिंग होगी। हाँ ये सही है, 9-4-0-2-4-8। अगर हमने यहां पर 5.5% कर लिया ना, इसका मतलब डिस्काउंटेड 5.5% फॉर 6 मंथ पीरियड है, तो ये 1 मिलियन 20 पीरियड के बाद जाना है, तो इसलिए वो 20 डिस्काउंटिंग। इक्विटी कंपोनेंट कितना बना, 59752, ये हो गया इक्विटी कंपोनेंट। इसकी लॉजिक दोबारा सुन लें, अगर ये डिबेंचर जिसपे हमने हर 6 महीने बाद 50,000 रुपए देने हैं, यानी 10% इंटू 6/12, ये लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि लोग चाहते थे 10% की जगह 11%, तो वो इन डिबेंचर्स के लिए अगर ये कैश ही होता तो इतने पैसे देते बस, तो वो क्यों 72,000 रुपए ऊपर दे रहे हैं, 59,000, तो वो फिर इक्विटी की ऑप्शन की वजह से पैसे दे रहे हैं। तो इसलिए आज हम इस 10 लाख को 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे, इस टोटल 10 लाख में से लायबिलिटी के लिए कितना है कैसे निकाला, क्योंकि अभी ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं कि अभी जब रीपर्चेज होने लगी है तो भी यही करूंगा, इस टोटल 10 लाख की पेमेंट में लायबिलिटी के अगेंस्ट कितना है ये कैसे निकाला, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज जो मिलने हैं उनको डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट, इसमें से लायबिलिटी के लिए कितना है वो कैलकुलेट किया, और बाकी इक्विटी के लिए होगा, ठीक है, जितने पैसे हमें रेज हुए उसमें से लायबिलिटी पोर्शन के लिए कितना कैसे कैलकुलेट किया, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट उस वक्त का। अब इस बात को गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 2011, 12, 13, 14, 15, 1 जनवरी 2016 को हमने लोगों से बॉन्ड वापस ले लिए और अब की बार हमने उनको पैसे दिए। अब जब हम रीपरचेज कर रहे हैं तो हमें दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि इनमें से कितने पैसे हम लायबिलिटी के लिए दे रहे हैं और कितने इक्विटी के लिए दे रहे हैं। जैसे पैसे रेज करते हुए तोड़ा था ना, वैसे रीपरचेज करते हुए, यानी हम पैसे वापस कर रहे हैं, उसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो जितने टोटल पैसे हमें मिले थे उसमें से लायबिलिटी पोर्शन कैसे निकला था, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट उस वक्त का मार्केट रेट, बाकी इक्विटी के थे। अब हम पैसे दे रहे हैं तो हम जो पैसे दे रहे हैं टोटल कितने दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 1700 रुपए एक के लिए और 1000 बॉन्ड थे 17 लाख। इसमें से हम लायबिलिटी के लिए कितने पैसे दे रहे होंगे उनको,
جب پیسے ہمیں ملے تھے تو ان انویسٹرز نے لائبلٹی کے لیے کتنے پیسے دیے ہوں گے؟ کیسے؟ اس پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے ریمیننگ کانٹریکچوئل کیش فلوز ڈسکاؤنٹڈ ایٹ مارکیٹ ریٹ. اب ہم ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے ہم پیسے دے رہے ہیں, تو ان میں سے ہم کتنے ڈیبنچرز کے لیے پیسے دے رہے ہوں گے, وہ کیسے نکالیں؟ ریمیننگ کانٹریکچوئل کیش فلوز ڈسکاؤنٹڈ ایٹ اس وقت کا مارکیٹ ریٹ, یعنی 8%. تو اس وقت تک 5 سال گزر گئے ہوئے تھے, 50,000 5 سال رہ گئے تھے, انٹو مارکیٹ ریٹ کتنا؟ 1,000,000 1.04 1081 1.09. ون ملین ہی رہے گا نا؟ نہیں نہیں نہیں, کانٹریکچوئل کیش فلوز کیا ہے کہ 10 لاکھ واپس کرنا ہے, تو یہ میں نے کانٹریکچوئل ریمیننگ کانٹریکچوئل کیش فلوز کی پی وی نکالی. اس وقت تک پورے 10 سال تھے تو یہ سارے کانٹریکچوئل کیش فلوز, اب 5 رہ گئے تھے تو یہ ان کے کانٹریکچوئل کیش فلوز. تو یہ 17 لاکھ میں سے اگر اتنا ہم لائبلٹی کے لیے دے رہے ہیں تو ایکویٹی کو کینسل کرنے کے لیے دے رہے ہوں گے ہم 6191. یہ ہم لوگ ایکویٹی کمپوننٹ کے لیے دے رہے ہوں گے. تو دونوں کیلکولیشن کا کانسیپٹ سیم ہے کہ ٹوٹل اماؤنٹ میں سے لائبلٹی کے لیے کتنا ریمیننگ کانٹریکچوئل کیش فلوز ڈسکاؤنٹڈ ایٹ اس وقت کا مارکیٹ ریٹ, اور ریپرچیز کے ٹائم پہ بھی. اس وقت کوئی ٹرانزیکشن کاسٹ ہو رہی ہے؟ اگر ہوتی تو اس کو اسی ریشو میں بانٹتے, اور جب اسی ریشو میں بانٹتے تو جو اس کا حصہ بنتا ختم ہو رہی ہے لائبلٹی, بس لائبلٹی تو ختم ہو رہی ہے, اس کے حصے کی ٹرانزیکشن کاسٹ پی اینڈ ایل میں ڈالتے, ختم ہو رہی ہے لائبلٹی نا, اور اس کے حصے کی ٹرانزیکشن کاسٹ اسی میں ڈیبٹ کرتے, وہ بعد میں پھر ریٹین ارننگ میں ڈالیں گے اس کو, بچے کچے کو. یہ بات دوبارہ سنیے, ان دونوں کیلکولیشنز میں کانسیپٹ سیم ہے لیکن کس طریقے سے کیلکولیٹ کیا یہ بات دیکھیے, سمجھ آتی؟ ہاں جی اوکے. میں نے اگلی بات یہ کی ہے کہ اگر اس میں ٹرانزیکشن کاسٹ بھی ہوتی, یعنی ری پرچیز کے ٹائم پہ کوئی ٹرانزیکشن کاسٹ آ رہی ہوتی تو اس کو ہم ان دونوں میں اس ریشو میں توڑتے, اور جو لائبلٹی کا پورشن بنتا وہ پی اینڈ ایل, کیونکہ ختم ہو رہی ہے لائبلٹی, اور جو ایکویٹی کا پورشن بنتا وہ ایکویٹی میں ڈیبٹ ہوتا. اور اس سوال کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ری پرچیز کی جنرل انٹری کرنی ہے. کرتا ہوں ری پرچیز کی جنرل انٹری کرنی ہے. لائبلٹی کتنی ہے ہماری بکس میں جو ڈیبٹ ہو کے ختم ہو جائے گی؟ جی 5 سال تک ہمیں اس کا کلوزنگ بیلنس نکالنا پڑے گا, اور اگر آپ وہ ٹیبل نہ بنانا چاہیں تو ایک کیلکولیشن سے بھی نکال سکتے ہیں. کیسے؟ کیا کیسے نکال سکتے ہیں؟ یہ فارمولا لگا کے انیشل اماؤنٹ نکالی تھی, یہی نہیں یہ تو اب کا مارکیٹ ریٹ ہے. ٹیبل چلاتے ہوئے کون سا افیکٹو ریٹ لیا ہوگا ہم نے؟ یہی 11 ہی لیا ہوگا. تو اب آپ یہ 20-20 کی جگہ 10-10 کر لیں تو کیرنگ اماؤنٹ آ جائے گا. ٹیبل بنانا ہے ٹیبل بنا لیں, لیکن اگر کسی ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ یہ دیکھنا چاہیں کہ لائبلٹی میں کتنا بچا ہوا ہوگا تو جتنے کیش فلوز باقی رہ گئے اتنے کی یہ افیکٹو ریٹ سے ڈسکاؤنٹنگ کر لیں. پورے 20 کی کریں گے تو پہلے دن والی لائبلٹی. جسے ٹیبل بنانا ہے ٹیبل بنا لیں, لیکن اگر ہم ریمیننگ کیش فلوز کو سیم اسی ریٹ پہ ڈسکاؤنٹ کر لیں تو اس وقت کی بک ویلیو آ جائے گی.
डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि 11% कंपाउंडेड एनुअली और 11% कंपाउंडेड सेमी एनुअली दो डिफरेंट रिजल्ट देगा। ओ बचपन में क्यों 11% कंपाउंडेड एनुअली और 11% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फर्क होगा, क्योंकि 11% एक बार लगेगा या फिर 11% पहले 6 महीने लगेगा, फिर वो भी 7 मिलेगा, फिर उस पर दोबारा 11 लगेगा, तो इसलिए फर्क आता है। चूंकि हमने डिस्काउंटिंग 5.5 के हिसाब से किया ना, तो इसका मतलब है ये कंपाउंडेड 6 मंथली रेट है, इसलिए वहां पर भी 6 मंथ के हिसाब से कंपाउंडिंग करनी चाहिए डिस्काउंटिंग। लेकिन फाइनल लेवल पे वो इस बात पे नहीं उड़ाएगा कि आपने इसको, अगर आप यहां पर 11 और 10 कर लें तो भी ठीक है, 949 भी ठीक था। हाँ जी, लाइबिलिटी के इस वक्त बुक्स में वैल्यू क्या आ रही होगी, टेबल बनाना, टेबल बना लें, या फिर इन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस को इफेक्टिव रेट पे जितने बाकी रह गए हैं उनकी डिस्काउंटिंग कर लें तो वो बुक वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट जनवरी 16 फाइनेंशियल लाइबिलिटी हमारी बुक्स में से खत्म, कैरिंग अमाउंट से कितनी 9623312। अभी फिलहाल इक्विटी वाली फिगर को अगर रहने दें और उसकी अलग अकाउंटिंग कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। सिर्फ लाइबिलिटी वाला कितना पैसा दे रहे हैं हम, 1081 10 दे 17 लाख रहे हैं, लेकिन गेन लॉस में आप कैलकुलेशन में गलती कर जाएंगे अगर आप कंपाउंड एंट्री कर लेंगे, तो इसलिए वैसे मैंने सॉल्यूशन में की तो कंपाउंड है, लेकिन अब बोर्ड पे बताते हुए कह रहा हूं कि आप अलग एंट्री कर लें। लाइबिलिटी इतने से खत्म क्योंकि बुक्स में थी ही इतनी, कैश जितना इसके लिए दे रहे हैं और बाकी बाकी क्या होगा, गेन या लॉस, P&L इधर आएगा, लॉस गेन पैसे ज्यादा दे रहे हैं तो लॉस है, वैसे भी डेबिट बैलेंस आ रहा है 118797। ये लॉस हो गया क्या जी, लायबिलिटी पे लॉस हो गया और साथ ही इक्विटी भी पे ऑफ कर लेते हैं। इक्विटी के लिए कितने पैसे दे रहे हैं हम, 6188 91। इसका बैलेंस कितना आ रहा था, इक्विटी कंपोनेंट का बैलेंस कितना आ रहा था, 59752। इसमें भी लॉस, यार अजीब अजीब शक्लें बना रहे हैं आप, ये अमाउंट तोड़ ली, इसमें से मैंने लायबिलिटी की एंट्री अलग कर दी, मिला के भी कर सकते हैं लेकिन उसमें आप गेन लॉस मिक्स कर जाएंगे, इसलिए मैं तोड़ के कर रहा हूं। मैंने पीछे वैसे मिला के की भी है लेकिन अभी मुझे लगा कि तोड़ के करनी ज्यादा आसान है। आप लायबिलिटी की पेमेंट अलग दिखा दे, उस पर गेन या लॉस आ गया, कोई इससे ही ना बाहर निकला हो कि लॉस कैसे आया, ये लॉस है। इक्विटी के लिए इतने पैसे दे रहे हैं और इक्विटी कंपोनेंट बुक्स में इतना आ रहा है तो अब ये लॉस है, है? के गेन है, लॉस है। ये जो इक्विटी की चीजों में कम ज्यादा पैसे लेना देना होता है ना, ये कोई P&L की चीज नहीं होती, ये रिटेन में जाएगा। जैसे शेयर्स से ज्यादा पैसे ले लेना तो कोई इनकम होती है नहीं, तो इसलिए ये इक्विटी के अंदर ही जाएगा और रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। कितना 55913। ये रीपरचेज की एंट्री, चैप्टर में पेज 26 सर, हम ये जो परचेस पे ये पार्टी सी एन एजेंट रिटेलर को लॉस कितना देखता है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, तो जो हम इसका कैरिंग अमाउंट कर रहे हैं जो आपने लायबिलिटी, हाँ
क्योंकि लायबिलिटी तो इसी बेस पे ही कैलकुलेटेड थी ना कि अगर कैश ही होता तो क्या होता। ये कंपोनेंट हमने किस बेस पे निकाला था कि अगर कैश क्लोज ही हो तो क्या होगा, तो यहां पर 1 मिलियन ही रखा था, तो भी हम लायबिलिटी कंपोनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं ना। लायबिलिटी कंपोनेंट चाहे इनिशियल हो चाहे रीपर्चेस के टाइम पे हो, उसकी फिगर ऐसे ही निकलेगी कि अगर इग्नोरिंग ई कन्वर्जन कैश फ्लो ही होता तो क्या होता। इनिशियली भी रीपर्चेस के टाइम पे भी दोनों कैलकुलेशंस में कॉमन बात यह है कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट तब का मार्केट रेट। अच्छा, नेट बुक वैल्यू पूछ रहे हैं। तो लायबिलिटी का जब टेबल बनाएंगे, अगर आप टेबल ही बनाते तो आखिरी लाइन में आके क्या लिखते, यही 1 मिलियन ही लिखते। नहीं, अगर आप टेबल पूरा बनाएं, 10 साल का बनाएं अगर, तो आखिर में जाके 1 मिलियन लिखेंगे तो टेबल जीरो होगा। हाँ, वो तो 5 साल में खत्म हो गया, लेकिन आप ये पूछ रहे हैं कि ये फिगर 1 मिलियन की डिस्काउंटिंग क्यों की, क्योंकि 1 मिलियन भी देना बाकी है अभी, क्योंकि 5 साल ही रह गए। 1 मिलियन अगर दें तो अगले 5 साल बाद ही देंगे, 10 साल बाद देना था 1 मिलियन, 5 साल गुजर गए, तो अब 5 साल के 6-6 महीने के 50,000 रह गए हैं और एंड पे 1 मिलियन रह गया, तो इसलिए उनकी डिस्काउंटिंग की तो बुक वैल्यू आ गई। अगर नहीं ये बात समझ आ रही, टेबल बना लें, इमोर्टाइज कॉस्ट का टेबल बना लें और 2015 के एंड का बैलेंस चेक कर लें, वो यही होगा जी। सत्रह सौ को इस रेशो में, इस रेशो में इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि ये लायबिलिटी की पहले दिन की वैल्यू थी, ये इक्विटी की पहले दिन की वैल्यू थी। अब लायबिलिटी की आज वो वैल्यू नहीं है, मार्केट रेट बदल गया हुआ है, तो इसलिए इस रेशो की रेलिवेंस नहीं रह गई। अब मार्केट रेट और हो गया हुआ है, क्योंकि हमने ये देखना है कि हमें लायबिलिटी को सेटल करने के लिए अब कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, क्योंकि मार्केट रेट बदल गया हुआ है, तो इसलिए इस रेशो को नहीं लेना। तब भी ना लेते क्योंकि इसकी पेमेंट हो गई है ना कुछ। पेज चैप्टर में 26 और इसका पॉइंट नंबर 7 सारा पढ़ लें, 8 नहीं, पॉइंट 7 सारा पढ़ लें। चैप्टर में पेज 26 पॉइंट नंबर 7 सारा, एबीसी सब पॉइंट 8 से ऊपर ऊपर तक सारा पढ़ लें, वो भी पास पेपर के साल के साथ बताता हूं। इक्विटी वाला हिस्सा पीएनएल में हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट इस पे इनकर की होती, वो 17,50,000 हो जाती। चलो लायबिलिटी की फिगर तो फिर भी 1,080 निकालते, 1,081, तो आपने फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट सारी की सारी इक्विटी को डाल देनी थी, इसलिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट बाद में बांटनी। और इसका जो भी मैं पासवर्ड का सवाल डिस्कस करने लगा उसमें आईकेप के सॉल्यूशन ने भी उन्होंने ये गलती की थी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऊपर ले ली, लायबिलिटी ऐसे ही निकाली और उससे उनको अंदाजा ही नहीं हुआ, सारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इक्विटी को चार्ज हो गई। अभी ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो नहीं है इसमें, अगर होती तो जो लायबिलिटी वाला पोर्शन है वो पीएनएल में जाता और जो इक्विटी वाला पोर्शन है वो रिटेनर नहीं में जाता। कहाँ? वो मैंने पॉइंट सी में अलग बता दिया, अभी समझाते हुए मैंने यहीं पे तोड़ दी। मतलब अभी मुझे सवाल कराते हुए बोर्ड पे डिस्कस करते हुए ही मुझे ये नजूर हुआ कि ये ऐसे करना बेहतर है।
वरना पहले मैंने ये लिखा हुआ था कि इक्विटी में डेबिट, फिर एंड पे देखेंगे इक्विटी में कितना बैलेंस रह गया उसको रिटेन अर्निंग में डाल देंगे। तो अभी अभी मैंने इसको इधर ही इस बीच में ही कर दिया। वो ए ऊपर है ना, वो लायबिलिटी वाला 1081, 1081 को मैंने ए कहा है। ये जो 1081 निकाला ना इसमें है, वही वाला, वही वाला। देखिए मैंने ना इस वक्त यहां पर जो कैलकुलेशन की है, आप कैलकुलेशन ऐसे ही कर लें क्योंकि मैंने सेम पैटर्न रख लिया। उधर मैंने लिखते हुए क्या किया कि पहले इसको अलग कैलकुलेट किया, कैरिंग अमाउंट और इसका डिफरेंस अलग लिया, वो पहला टेबल बना दिया। फिर दूसरा टेबल मैंने ये बनाया है, जो बी में टेबल बनाया हुआ है ये बनाया हुआ है, जो ए में टेबल बनाया हुआ है वो इधर मैंने बनाया नहीं है, वो ये चीज मैंने टेबल की शक्ल में लिखी है। 7A में मैंने इसको ए कहा है, उसमें से ये माइनस किया है और बाकी को लॉस कहा। मैंने बुक में जो 7A में टेबल बनाया हुआ है ना, वो मैंने ये बनाया हुआ है, जो आपको टेबल के बगैर आप एंट्री से भी कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये मैंने अभी तोड़ी है, वरना पहले मैं कंपाउंड एंट्री कराता हूँ। ये अभी अभी मुझे लगा कि तोड़ के ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, तो ये काम जो मैंने एंट्री में कर दिया वो मैंने ए के टेबल में बनाया हुआ था, अभी मैंने एंट्री में कर दिया। और वो जो बी में टेबल बना हुआ है वो ये, और सी में यही कहा है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट को तोड़ेंगे और लायबिलिटी वाला पोर्शन पी एंड एल में जाएगा और इक्विटी वाला पोर्शन रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। हाँ जी, पॉइंट एट नहीं कहा भी पढ़ने को, पास पेपर्स में आए हैं। पांच पेपर्स में आए, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लें, दिसंबर 17 का सवाल है, पढ़ तो लें, वो फिर पढ़ने के बाद फैसला करते हैं कि बोर्ड पे करूं या सॉल्यूशन से बताऊं। सॉल्यूशन से बताने में ये होगा कि मैं पूरा करा पाऊंगा चैप्टर। सवाल बहरहाल पढ़ लें, ट्रांजेक्शन कॉस्ट की एंट्री अलग करेंगे, एंट्री ही अलग करेंगे ट्रांजेक्शन, लायबिलिटी कंपोनेंट को पीएनएल में डाल देंगे और इक्विटी की जो बनती है वो रिटेन अर्निंग में डाल देंगे, उसकी एंट्री ही अलग कर लेंगे। पास्ट पेपर्स लाहौर स्टील लिमिटेड पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, हाँ जी पढ़ लिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 10% डिवेंचर्स रीपर्चेज हो रहे हैं, 10% कहाँ लिखा, 1 मिलियन में से 1 लाख, तो 10% अभी यहाँ पर पूरे डिवेंचर्स रिडीम कर लिए थे, यहाँ पर 10% रीपर्चेज हो रहे हैं, तो बाकी वैसे चलता रहेगा और 10% के साथ ये वाला स्लूप हो जाएगा, यही है बस, मतलब इतना ही है क्या इसमें कैलकुलेशन। एक अच्छी ये है कि प्रिंसिपल सारा का सारा एंड पे वापस होने की बजाय 2 साल में वापस होगा, है जी,
क्या हुआ, ये है ना टाइम, ठीक है। चलो यार इतना तो अंदाजा है ही ना कि 9:35 हुए, 8:35 नहीं हुए। ना करूं क्या करें बताओ। हाँ अगर आप होमवर्क करना चाह रहे हैं तो मैं छोड़ देता हूँ, होमवर्क करा देता हूँ। हाँ भाई क्या क्लास में कराऊंगे होमवर्क, मेरी मर्जी। चले थोड़ा सा करके बाकी होमवर्क दूंगा। हैं क्या हो गया, दिसंबर 17। चले इनिशियल तो देखें ना, इनिशियल रिक्वायर्ड नहीं है, इनिशियल रिक्वायर्ड है भाई। आप लायबिलिटी के अमाउंट निकालेंगे तो एंट्रीज करेंगे ना। टोटल अमाउंट कितनी, टोटल अमाउंट कितनी, 1,000,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक है। मार्केट वैल्यू किधर है, वो कहाँ है मार्केट वैल्यू, वो तो पर शेयर मार्केट वैल्यू है, तो पर शेयर मार्केट वैल्यू है उसका तो कुछ नहीं करना, मार्केट वो तो शेयर की मार्केट वैल्यू कितने, 100 मिलियन। इसमें से लायबिलिटी कंपोनेंट कितना जी, तरीका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट, तो उस वक्त मार्केट रेट क्या था, काइबोर प्लस 2%, और काइबोर कितना था उस वक्त, काइबोर था 5 था यानी 7%, तो मार्केट रेट 7% था। अब जब इसको 7% पे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करेंगे तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज समझें, कूपन रेट कितना 6%, और इंटरेस्ट हर साल देना है, लेकिन इंटरेस्ट 2015, 16, 17, 18, 19 इसमें इंटरेस्ट और होगा, और 2020 में और होगा, क्यों, क्योंकि 2020 में आधा प्रिंसिपल वापस हो चुका होगा। तो इस लायबिलिटी कंपोनेंट को ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो इंटरेस्ट 2015 से लेके 2019 तक जाना है वो होगा 100 मिलियन का 6%, एनविटी डिस्काउंटिंग 1 माइनस मार्केट रेट 0.7 पावर 15, 16, 17, 18, 19, 5। और 2020 वाला इंटरेस्ट चूंकि आधा पे ऑफ हो जाएगा 100 में से, तो बाकी 50 रह जाएगा, और ये एक ही होगा बस 6। अब ये छठा साल होगा, 15, 16, 17, 18, 19 में इतना इंटरेस्ट जाना है, उस पर एनुअल्टी डिस्काउंटिंग, और जो 2020 होगा जो आखिरी साल होगा उसमें बस इतना इंटरेस्ट जाना है, कितना 2, और रिडेम्पशन 50 मिलियन पे होना है 2019 में 5 साल बाद, और अगला 50 मिलियन पे होना है 6 साल बाद 2020 में 68.9। तो लायबिलिटी कंपोनेंट इनिशियली बन गया 95.5। ये हो गया लायबिलिटी कंपोनेंट, और इक्विटी कंपोनेंट हो गया
4.43. जी मेरा वाला ये इसमें आई कैप से मुझे एक इख्तलाफ था, उन्होंने रिडेम्पशन के ऊपर ना ट्रांजेक्शन कॉस्ट सही नहीं बांटी हुई, बाकी ठीक था तो मैंने रिडेम्पशन की कॉस्ट ठीक की है। हाँ जी इनिशियल। अच्छा अब रीपरचेज के टाइम पे चूंकि एंट्रीज करनी है तो रीपरचेज की अमाउंट्स भी निकालनी पड़ेंगी, इसी तरह की कैलकुलेशन रीपरचेज के लिए भी हो जाएगी। टोटल कितनी? 1,00,000 डिबेंचर्स हम वापस खरीद रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपए, यानी 105 के हिसाब से, तो 1,00,000 105 के हिसाब से 10.5। इसमें लायबिलिटी कंपोनेंट कैसे तोड़े? अब इन 1,00,000 डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं हम, उन 1,00,000 डिबेंचर्स के अब जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज रह गए जिनमें एक साल कम हो गया, उनकी डिस्काउंटिंग किस रेट पे? जो अब मार्केट रेट है, और वो है काइबर प्लस 2 यानी 8%। तो उससे लायबिलिटी कंपोनेंट निकलेगा। कैलकुलेशन करके 10% लगा दें वो भी ठीक है, और 10% की ही कैलकुलेशन कर लें वो भी ठीक है। दस परसेंट की कैलकुलेशन कर लेता हूं, इंटरेस्ट 2016, 17, 18, 19 10 मिलियन, 1 - 1.08 power 4, क्योंकि एक साल गुजर गया हुआ है, 1.99 2020 वाला 5 मिलियन, ये 50 था, 5 मिलियन 6% 1.08 power 5 0.20 रिडेम्पशन 5 मिलियन 5 मिलियन पावर 1.08 power 4 और ये वाला पावर 5 7.24 9.43 ये अब रीपरचेज के टाइम पे जो हम 10.5 मिलियन दे रहे हैं उसमें से इतना लायबिलिटी के लिए। बाकी फिर इक्विटी के लिए होगा कितना? 1.7। ये कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो गई, या तो वो गलत है फिर, बाकी ठीक है। 7.09 किधर? ये 7.08 तो ये क्या बन गया? 9.27 और ये क्या बन गया?
फर्स्ट जनवरी 16 की एंट्री, फर्स्ट जनवरी 16 फाइनेंशियल लायबिलिटी कितने से डेबिट, बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट वो कैसे निकालें, चाहे तो रिमेनिंग पे डिस्काउंट ले लें, चाहे एक ही साल है एक साल का टेबल बना लें, एक ही साल गुजरा है तो चाहे एक साल का टेबल बना लें, एक साल गुजरा है एक साल का टेबल बना लें, और जितनी कैरिंग अमाउंट आए उसमें से 10%, एक साल ही गुजरा है तो एक साल का टेबल बना लें, जितना क्लोजिंग बैलेंस हो उसका 10% ये है जो खत्म हो रहा है ना, और इसके लिए कितना कैश जा रहा है 9 point, तो इसका गेन या लॉस निकल आएगा। ये वाली फिगर मैं कह रहा हूं कि आप एक साल का टेबल बना लें, जो लायबिलिटी का क्लोजिंग बचेगा उसमें से 10% ये वो उसकी कैरिंग अमाउंट होगी और बाकी इस पे गेन या लॉस होगा। इसी तरह से इक्विटी के लिए कितना कैश जा रहा है 1.23, और 4 point बाकी रिटेन अर्निंग में डाल दें, हाँ सॉरी 0.44 और ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी दे रहे हैं 2 million, दो रुपए पर डिवेंचर के 2 lakh, 2 lakh तो उस 2 lakh को बांट दें इसी रेशो में, और जो लायबिलिटी वाला पोर्शन होगा वो P&L और जो इक्विटी वाला पोर्शन होगा वो, और अब जो बाकी 90% रह गया उसका साल गुजरेगा और पेमेंट की एंट्री आएगी और इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री आएगी है? कहां पर? वो मैंने पहले ही खत्म कर लिया ना और उसको रिटेन अर्निंग में डाल दिया, मैंने इक्विटी का उपकरण खत्म करके खत्म फारिक कर दिया, उसको रिटेन अर्निंग में डिफरेंस डाला, तो इसलिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी सीधी रिटेन अर्निंग में डाल दी। हाँ जी क्वेश्चन एक डन, चलें अब बाकी दो छोटी छोटी चीजें देख लें फिर ये टॉपिक खत्म। चैप्टर में आए पेज नंबर, बल्कि ये भी पहले सवाल देख लें प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 4 पे आए, जी इस रेशो में शुरू वाली ट्रांजेक्शन कॉस्ट को इस रेशो में और रिडेम्पशन वाली ट्रांजेक्शन कॉस्ट को इस रेशो में, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पे आइए। हैं लेकिन स्टीफ़ वन का सिलेबस इतना ज्यादा है कि मैं अगर ये नहीं करूंगा तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पढ़िए। नहीं 3 किया था। प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 47 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पेज 47
हैं जी। यार रेहान इसको अच्छी तरह कवर कर यार, बस साइज 32 की छोटी छोटी चीज़ें रह गई, 32-40 मिनट ज़्यादा नहीं, जल्दी जल्दी मिटाओ यार। चलो जगह करना प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 कहाँ है पढ़ लें अगर जाग रहे हैं तो। पहले क्या ऑफर थी लोगों को पढ़ेंगे तो पता लगेगा। पहले उनको कहा हुआ था कि हर 1,000 रुपए के बॉन्ड के बदले इतने शेयर्स देंगे, हर 1,000 रुपए बॉन्ड के बदले इतने शेयर्स देंगे कि आपको इफेक्टिवली एक शेयर 25 रुपए का पड़ेगा। देखें अगर 1,000 रुपए उसने कैश वापस लेना होता और उसकी जगह 40 शेयर ले लेता, 1,000 × 40 = 25, तो उसको एक शेयर 25 रुपए का पड़ता। कन्वर्टिबल डिबेंचर है, 1,000 रुपए फेस वैल्यू चाहे रिडीम करवा ले, चाहे कैश ले ले, या फिर उसके बदले शेयर्स ले ले। इससे पहले जो एक दो सवाल किए उनमें नंबर ऑफ शेयर्स बताए हुए थे, अब ये कहा कि इतने शेयर्स हम उसको देंगे कि उसको एक शेयर 25 रुपए का पड़ रहा होगा। नहीं नहीं, अभी भी शेयर्स ही फिक्स हैं, लेकिन ये पहली इस तरह की बना दी। नहीं नहीं नहीं, उसको कहा है कि तुम्हें हम ईच बॉन्ड के बदले 40 शेयर दे देंगे। सवाल वाले ने उसको 40 शेयर की बजाय उसको इस तरह घुमा के पूछ लिया। देखें अगर उस इन्वेस्टर को हमने 1,000 रुपए के बदले 40 शेयर में कन्वर्ट कर देना होता तो 1,000 रुपए के बदले वो 40 शेयर ले रहा है तो उसको इफेक्टिवली एक शेयर कितना कॉस्ट कर रहा है, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे ना। तो अब उन्होंने आपको ये 40 बताने की बजाय 25 बता दिया। नहीं नहीं नहीं, उसको ये 25 रुपए मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही है, ये 25 ये है कि उसको 1,000 रुपए कैश के बदले पर 40 शेयर दे रहे हैं, वो 1,000 रुपए कुर्बान करके 40 शेयर ले रहा है तो उसको 25 रुपए का एक शेयर कॉस्ट कर रहा है, मार्केट में जितने का मर्जी हो। ये कोई मार्केट प्रेस ऐसा नहीं कि वैल्यू एडजस्ट करके इतने शेयर देंगे कि 1,000 रुपए के बजे, नहीं, उसने 1,000 रुपए कैश लेने हैं, अब वो 1,000 रुपए कैश कुर्बानी दे के शेयर्स ले ले तो वो इतने शेयर्स लेगा कि उसको 25 रुपए का पड़ रहा होगा। इन अदर वर्ड्स उसको 40 शेयर देने का वादा किया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, यानी इनिशियली हमने उसको कहा था कि तुम्हें 40 शेयर देंगे। कुछ अरसे बाद हमें लगा कि ये ऑफर इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, शायद वो शेयर्स ना कन्वर्ट करवाए, वो कैश लेने आ जाए, जबकि हम चाह रहे हैं कि नहीं वो शेयर्स ही कन्वर्ट करवाए, हम उसको इनकरेज करेंगे शेयर्स में कन्वर्जन के लिए। तो उसके लिए हमने उसको नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए, अब हमने कहा कि अब तो हम तुम्हें 50 शेयर्स देंगे। ये 50 कैसे बना, तो अब हमने इसको रिवाइज किया और ये कहा कि हम तुम्हें इतने शेयर्स देंगे कि तुम्हें इफेक्टिवली वो 20 रुपए का पड़ेगा, यानी 50 शेयर्स। इस ऑफर के चेंज होने का लायबिलिटी कंपोनेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, लायबिलिटी कंपोनेंट, लायबिलिटी कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी कंपोनेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, फ्यूचर कैश फ्लोज इग्नोरिंग कन्वर्जन, तो वो तो कैश फ्लो तो वही है, तो लायबिलिटी कंपोनेंट पे नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन उसकी ऑफर चेंज हो रही है इसलिए चांस बढ़ रहे हैं कि वो इक्विटी की तरफ चला जाए, करेंगे हमारी इस टर्म्स में चेंज से, चूंकि हम उसको इक्विटी की तरफ धकेल रहे हैं तो इसकी एक एडजस्टमेंट की जाएगी। दोबारा सुने, लायबिलिटी कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट किया,
फ्यूचर कैश फ्लो यानी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो इग्नोरिंग कन्वर्जन, उसको मार्केट रेट पर डिस्काउंट, तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो तो अभी भी 1000 रुपए है, तो इसलिए इस ऑफर चेंज करने का लायबिलिटी कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि उसको अब हमने इक्विटी की तरफ धकेला है तो इसकी एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट ये होगी कि ये जिस दिन ये कैलकुलेशन ये अमेंडमेंट हो रही है उस दिन शेयर कितने का है, जी उस दिन शेयर कितने का है, 40 रुपए का मार्केट में है, तो उस इन्वेस्टर को पहले एक के बदले 40 शेयर्स मिलने थे, अब कितने मिलने हैं, तो उस इन्वेस्टर को कितना फायदा होने लगा है, 10 शेयर्स का, और 10 शेयर्स पैसों में लाने हो तो जितनी उस टाइम मार्केट वैल्यू है, और ये तो एक बॉन्ड 1000 रुपए का है, टोटल कितने थे, 1000 थे। तो उस इन्वेस्टर को इस ऑफर चेंज का जो फायदा पहुंचने लगा है वो पहुंचने लगा है कि इनिशियली उसको हमने ऑफर की हुई थी कितने बॉन्ड्स हैं, 1000 बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड के बदले 40 शेयर्स, और उसकी उस वक्त प्राइस 40 रुपए थी, ये 40-40 इत्तेफाक से 40 हैं, कितनी बनी अमाउंट, हाँ हाँ इनिशियल मैंने ऑफर की बात की, जबकि अब जो उसको हमने रिवाइज्ड ऑफर कर दी 1000 बॉन्ड्स के बदले 50 शेयर्स, जिस वक्त के अमेंडमेंट हो रही है उस वक्त शेयर 40 रुपए का है, तो उस इन्वेस्टर को हमारी इस ऑफर चेंज ने कितने का फायदा पहुंचा देना है, 4 लाख। तो अब इस 4 लाख को हम अपना मदीद एक्सपेंस बनाएंगे। दोबारा सुने, हमने शेयर्स की ऑफर ऐसी चेंज कर दी कि अब वो शेयर्स की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा, लायबिलिटी कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जिस दिन ये चेंज कर रहे हैं उस दिन जितने उस इन्वेस्टर को रुपए का फायदा पहुंच रहा है उस फायदे को हम अभी अपना एक्सपेंस बना लेंगे, एक्सपेंस डेबिट और इक्विटी कंपोनेंट क्रेडिट। लायबिलिटी वैसी चलती रहेगी, इक्विटी कंपोनेंट क्रेडिट। सर ये तो फ्यूचर में वो करेगा तब ना, तो वो तो हम पहले दिन भी तो लायबिलिटी इक्विटी तोड़ ही रहे ना, तो अब हम ये कह रहे हैं कि चूंकि अब वो ज्यादा इंक्लाइन हो जाएगा इक्विटी की तरफ, तो हम इक्विटी का पोर्शन और बढ़ाने लगे और उसको हमने बैठे बैठाए और फायदा दे दिया, पैसे और नहीं लिए, फायदा उसको और दे दिया, तो इसलिए हम अपना एक्सपेंस बना लेंगे। इसको वैसे प्लान ही नहीं, क्या नहीं नहीं, हमने जिस पॉइंट पे उसको फायदा दिया ये उस वक्त की 40 रुपए फेयर वैल्यू है, जिस वक्त हमने ये अमेंडमेंट की क्या हमने उससे और पैसे लिए, नहीं, लेकिन उसको फायदा पहुंचने लगा है तो इसलिए ये हमारा एक्सपेंस है, तो इसी वक्त इसको एक्सपेंस डेबिट और इक्विटी कंपोनेंट क्रेडिट कर लेंगे। वो एंड वाला काम फिर भैया, वो जो एंड पे था कि अगर शेयर ले लिए तो क्या, कैश ले लिया तो क्या, बस अभी हम जितना फायदा उसको अभी अभी खुशी पहुंचेगी उतना एक्सपेंस बना लेंगे और इक्विटी कंपोनेंट क्रेडिट कर देंगे। पेज नंबर चैप्टर में 26 था शायद, जो अभी आपने 0.7 पढ़ा है, नीचे 0.8 पढ़ लें, चैप्टर में पेज पता नहीं कौन सा 26 पॉइंट नंबर 8 पढ़ लें। हाँ जी, नहीं नहीं, असल में ये इक्विटी कंपोनेंट का गेन लॉस नहीं हो रहा, हम लोग उसको एक और फेवर दे रहे हैं, हम उसको एक और फेवर दे रहे हैं। देखें शुरू में उसने जितने पैसे दिए थे ना उसको हमने लायबिलिटी और इक्विटी में तोड़ा था, उस वक्त उसको इतने शेयर्स की ऑफर थी, अब जब हमने उसको एक मजीद ऑफर बेहतर कर दी और चांसेस हैं कि वो शेयर्स की तरफ चला जाएगा क्योंकि उसको और फायदा मिलने लगा है, तो उसको और फायदा पहुंचाने के लिए क्या हम उससे पैसे ले रहे हैं, नहीं ले रहे ना, तो हमारा लेंडर है उसको और फायदा पहुंचा रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे उससे, तो ये एक्सपेंस है हमारा कि क्यों नहीं ले रहे पैसे उससे, तो ये एक्सपेंस है। तो पेज 26 के ऊपर पॉइंट नंबर 8, ये कौन लोग होंगे जो ऐसे स्टैंडर्ड बनाते हैं, हाँ जी डन, हाँ हाँ बस बस हो रहा है। पेज 26 का एंड, ट्रेजरी शेयर्स का मतलब होता है हम अपना ही शेयर्स अगर खरीद लें,
अगर हम अपने ही शेयर्स खरीद लें तो उनको ट्रेजरी शेयर्स कहते हैं, और इनका खरीदना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इक्विटी में से लेस शो किया जाता है। बस ये इतनी सी बात लिखी हुई है, नॉलेज के लिए था। अगले पेज पे इंटरेस्ट डिविडेंड, मार्केट से उठाना चाह रहे हैं अपने शेयर्स, बाय बैक कह सकते हैं इसको, लेकिन इसको कैंसिल नहीं कर रहे, हम बस अपने पास दराज में रख लेंगे, मार्केट से उठा लिए, तो वो हमने अपने ही शेयर खरीदे तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, हम इसको इन्वेस्टमेंट डेबिट करके एसेट्स में नहीं दिखाएंगे, ट्रेजरी स्टॉक डेबिट करके इक्विटी में डेबिट बैलेंस दिखाएंगे। अपने शेयर में इन्वेस्ट कर लिया तो चूंकि अपने ही शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट कह के एसेट नहीं दिखाएंगे, इसको एज अ डेबिट बैलेंस इक्विटी में दिखाएंगे। हैं क्यों खरीदे? इसका फायदा एक तो ये हो सकता है कि जब सारे लोग हमारे शेयर बेच खरीद के फायदे उठा रहे हैं तो हम क्यों ना फायदे उठाएं? हमारे शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, रेट बढ़ता है, लोग बेच के फायदा उठा लेते हैं, हम भी ये काम कर लेते हैं। फिर उसके अलावा डिविडेंड बचाने की कोशिश हो सकती है। पेज 27 इंटरेस्ट डिविडेंड्स, लायबिलिटी के ऊपर पड़ने वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इक्विटी पे दिया जाने वाला डिविडेंड, रिटेन अर्निंग से लेस, बस इतना लिखा हुआ। लायबिलिटी पे पड़ने वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इक्विटी पे दिया जाने वाला डिविडेंड रिटेन अर्निंग में से लेस होगा, बस ये लिखा हुआ। ऑफसेटिंग में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि एसेट्स और लाइब, हाँ ना वो क्या, नहीं नहीं एक लाइन बता देता हूँ, आ फाइनेंशियल एसेट एंड आ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ऑफ सेटिंग में सिर्फ इतना लिखा हुआ, ये भी नॉलेज के लिए, कि एसेट्स और लाइबिलिटीज को अलग अलग दिखाना है। हाँ अगर एक ही पार्टी से रिसीवेबल भी है और उसी को पेबल भी है फिर नेट कर लें, इसको ऑफ सेटिंग कहते हैं, अदरवाइज नहीं करना नेट, किसी डेटर को किसी क्रेडिट से लड़ा के नेट नहीं कर देना, एसेट अलग लाइबिलिटी अलग, बस ये लिखा हुआ। लास्ट चीज प्रेफरेंस शेयर्स, इन प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में ना ये पेज 28 पे एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल को आपने याद करना है। इसमें कहा क्या हुआ है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हैं तो अकाउंटिंग क्या करनी है, इररिडीमेबल हैं तो अकाउंटिंग क्या करनी है, रिडीमेबल एट हमारी ऑप्शन है तो अकाउंटिंग क्या करनी है, रिडीमेबल एट होल्डर की ऑप्शन पे है तो अकाउंटिंग क्या करनी है। ये सारी अकाउंटिंग दोनों कॉलम्स में बनाई गई है। पहला कॉलम है प्रेफरेंस डिविडेंड अगर मैंडेटरी हो, इसका मतलब होता है कि हर साल डिविडेंड देना ही देना है, चाहे लॉसेज में क्यों ना हो दोएंगे डिविडेंड। और डिस्क्रिशनरी का मतलब है कि प्रॉफिट्स होंगे तो बांटेंगे, नहीं होंगे तो नहीं बांटेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स बहरहाल ऑर्डिनरी से डिफरेंट प्रेफरेंस होते हैं, अब उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है और उस पर दिया जाने वाले डिविडेंड की अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये इस पूरे टेबल को याद कर लीजिएगा, सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, याद करना है आपको। इसको याद करने के बाद एक सवाल होगा, क्या आसान सा जबानी जबानी सवाल है, दिसंबर 21 का सवाल है, पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन नंबर, पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन नंबर 11, इसका पॉइंट वन अभी नहीं किया, पॉइंट वन लीजिए इसका है, पॉइंट 2, 3, 4 ये होमवर्क है। पॉइंट इस टेबल को करने के बाद, स्पेशली टेबल के नीचे जो मैंने पैराग्राफ लिखा है वो भी, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 जो कि दिसंबर 21 का है ये होमवर्क है, पॉइंट 2, 3, 4, पॉइंट 1 इसका लीजिए वो नहीं पढ़ा हमने अभी। आई 32 खत्म। अच्छा अब ये जो ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इनको एक बात समझा रहा हूं मैं, लेक्चर 47 मैं कुछ दिन के बाद करूंगा, उसमें मैंने हेजिंग करवानी है, और अब वो 3 घंटे की क्लास लूँगा 4 घंटे की क्लास लूँ, मैं उसको 47 ही रखूँगा, 47 ब्रेक करूँगा तो 47 ए बी सी इस तरह कर दूँगा, लेकिन वो 47 रखूँगा मैं, लेकिन 48 से मैं कंसोलिडेशन शुरू कर दूँगा। ये रिकॉर्डिंग वालों की बात कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुने बात, 46 के बाद अब आप वो लोग जो रेगुलर देख रहे होते हैं, जिन्होंने देखना ही महीने बाद है उनको तो फर्क ही नहीं पड़ना, जो रेगुलर देख रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि 46 के बाद अब आपको 48 अपलोड हुआ मिलेगा, 49, 50, 51 इस तरह से। अगले वीक जाके मैं 47 वाली क्लास लूंगा, एक संडे को क्लास रखनी है मैंने, वो फिर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ही ऊपर जाके देखिएगा, बड़ी मुश्किल बात है। तो 46 के बाद अपलोड जो रेगुलर देख रहे होते हैं उनको 47 नहीं मिलेगा, उनको 48 ऑनवर्ड मिलेंगे, मैंने कंसोलिडेशन शुरू कर दी होगी, लेकिन कुछ क्लासेस के बाद फिर मैं एक संडे की क्लास रख के 47 का नाम देके उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले सेक्शन में ही अपलोड करूंगा, और वो एक लंबी सी क्लास होगी। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।